नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियर हो या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आईटी रिलेटेड जॉब करना चाहते हो तो शायद ये आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। अगर आप आईटी सेक्टर रिलेटेड जॉब करना चाहते हो और इंडिया का आईटी हब बेंगलुरु आपका पहला प्रायोरिटी है तो शायद आपको आपका प्रायोरिटी बदल देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में टेकीज बेंगलुरु छोड़ रहे और दूसरे सिटीज पे शिफ्ट हो रहे। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आज एक मास टेक एक्सोडस फेस कर रही है, पर इसका रीजन क्या है जानेंगे आज इसी वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अर्नस्ट एंड यंग के एक स्टडी वाइज 80% एम्प्लॉय रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स को पसंद करते हैं, मतलब एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम। बट इससे वो कंपनी जहाँ पे है वहाँ के लोकल इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट कुछ कंपनीज लाइक डेलॉर्ट और भी कई सारे कंपनीज को उनके एम्प्लॉय को ऑफिस से काम करने का ऑर्डर देते हैं, ताकि बाहर से लोग बेंगलुरु पे आके काम करके यही पे पैसा खर्च करें जिससे लोकल्स का फायदा हो। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर एम्प्लॉयज को यहाँ आके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो लोग अभी बेंगलुरु छोड़ के हैदराबाद में शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी नौकरी लेके। पर ये टेकीज क्यों बेंगलुरु छोड़ रहे हैं और इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इस पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद और बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद मुझे कुछ ये तीन रीजंस मिला, और ये तीनों रीजंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। बेंगलुरु में कुछ प्राइम लोकेशंस लाइक कोरमंगला, व्हाइट फील्ड, जहां आपको 2 BHK, 3 BHK के लिए 60, 70, even 80 हजार तक का रेंट देना पड़ता है। हाँ, कुछ जगह ऐसे भी है जहां आप 20, 25 या 30 हजार में काम निपटा दो, पर याद रखिए, as compared to other places in India, यहां रेंट literally skyrocketing है। और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है उन टेकीज के ऊपर जो वहां जॉब कर रहे हैं। अब मान लो आप एक 70-80 हजार का जॉब कर भी लेते हो, जिसमें से 20 से 30 हजार तो आप रेंट पे उड़ा देते हो, आपका तब भी चल जाएगा अगर आप अकेले रहते हो। पर क्या होगा अगर आपके फ्लैट में पानी ही ना आए, कैन यू सर्वाइव? पूरा बेंगलुरु पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसी साल बेंगलुरु का टेम्परेचर 42 साल में रिकॉर्ड हाई था। आपके पास भले ही 2 या 3 करोड़ का फ्लैट हो, पर अगर आपके फ्लैट में पानी ही ना हो तो फायदा क्या है। और इस वाटर स्कैसिटी से वाटर टैंकर प्राइसेस भी बढ़ रहा है। इवन सिचुएशन वहाँ इतना खराब है कि गवर्नमेंट मिल्क टैंकर्स को पानी सप्लाई के लिए यूज कर रही है। और इससे होगा क्या, टैंकर्स का प्राइसेस बढ़ने के कारण आम जनता पर लोड पड़ेगा और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। और जबकि आप मिल्क टैंकर्स पानी के इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हो, तो मिल्क टैंकर्स के शॉर्टेजेस की वजह से वहाँ दूध का दाम बढ़ जाएगा। मतलब दो तरफ से फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है वहाँ के लोगों पर, और जिसका सीधा सीधा ब्लेम जाता है वहाँ के पुअर गवर्नेंस पर। और यही है हमारा रीजन नंबर 2, पुअर गवर्नेंस। में कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री बीज का अच्छा खेल खेला। 200 वाट बिजली मुफ्त, महिला और अनएम्प्लॉयड को मंथली अलाउंस, लड़कियों के लिए फ्री बस पासेस, ये सब दिखा के कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये सब वादे पूरा करने के लिए एक तो आम जनता से टैक्स की वसूली बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा सेंटर से कर्ज लेना पड़ेगा। अब इलेक्शन तो जीत लिया और 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी भी देना शुरू कर दिया, पर इस चक्कर में इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा दिया। अब देखिए, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, ये सब एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी का बैकबोन होता है, स्पेशली बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाइक का डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाएगा उन इंडस्ट्रीज पर, जिससे वो इंडस्ट्रीज आपके यहाँ से निकल के जाना शुरू कर देगी और मिडिल क्लास वालों की नौकरियां भी चली जाएगी। ऐसा बकवास स्कीम है इनका। पीनियल फर्म ने तो गवर्नमेंट को 2 दिन के हंगर स्ट्राइक का वार्निंग दे दिया। एज पर देम कंपनीज को 30-40% का लॉस फेस करना पड़ रहा है इस वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुअर गवर्नेंस के और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। आउटसोर्स गवर्नमेंट जॉब्स पर 33% वुमेन रिजर्वेशन लगा दिया, जिस पे पहले से ही SC ST OBCs का रिजर्वेशन कंपलसरी था। फिर थोड़े से बारिश में रेन वाटर लॉगिंग, ओवर क्राउड, ये सब एक पुअर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट दिखाता है एक ऐसे सिटी में जो IT हब है देश का, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक इंसान के डे टू डे कम्फर्ट में।
दोस्तों यही सब reasons आगे जाके एक कारण बनता है कि लोग अब इस सिटी को छोड़ना चाहते हैं और ऐसे सिटीज में शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पे भले ही 10-15 हज़ार कमाई कम हो पर ये सब प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट फेस ना करना पड़े। और ये पुअर गवर्नेंस ऐसे ही नहीं आ जाता, पुअर गवर्नेंस का प्राइम रीजन होता है करप्शन, और यही है मेरा तीसरा रीजन जो है करप्शन। करप्शन के मामले में कर्नाटका किस हालत में है ये आप इस वीडियो से समझ सकते हो। डी के शिव कुमार अलेजली वेंट टू द अपार्टमेंट रेसिडेंस एंड सेड इफ यू वांट एन एनओसी एंड अ क्लियरेंस इफ यू वांट वाटर टू बी सप्लाइड टू योर लोकेलिटी देन यू वोट फॉर माय ब्रदर। जहां कर्नाटका के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता डेप्यूटी सीएम इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि अगर आप वाटर सप्लाई चाहते हो, अगर आप एनओसी चाहते हो तो मेरे भाई को वोट दो। हालांकि इससे उन पर एफआईआर भी हुआ, पर क्या फर्क पड़ता है, ये सिस्टम तो हमारा है। 2030 के जनरल इलेक्शन से पहले कांग्रेस बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी 40% सरकारी कमीशन चला रही है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गवर्नमेंट 40% ड्राइविंग मांगा करती थी। पर क्या हुआ, इलेक्शन के बाद कांग्रेस तो आ गई पर ये 40% सरकारी कमीशन अभी भी चल रहा है। उनके मिनिस्टर्स ओपनली प्राइवेट कंपनीज को थ्रेट देते हैं कि अगर लोकल कन्नाडिगास को जॉब ना मिले तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया फॉर 100% रिजर्वेशन ऑफ कन्नाडिगास इन प्राइवेट सेक्टर, जिसे देख के आंध्र एनडीए गवर्नमेंट ने डिसअपॉइंटेड आईटी कंपनीज को ऑफर देना शुरू कर दिया टू इन्वेस्ट इन आंध्र प्रदेश। और उसके कुछ समय बाद ही कर्नाटका के सीएम वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं जहां उन्होंने 100% रिजर्वेशन की बात की थी फॉर ग्रेड सी एंड डी जॉब्स। तो यही सब रीजंस आम जनता, इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर पर एक एडवर्स इफेक्ट डालती है जिसका आउटकम ये होता है। जहां लोग बेंगलुरु छोड़ के हैदराबाद शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं, एक तो रेंट कम, दूसरा क्राउड कम और तीसरा ये सब झंझट कम। लोग भले ही 10-20 हज़ार कम कमा लेंगे पर इन प्रॉब्लम से तो दूर रहेंगे। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इन टेक एक्सोडस की वजह से। जो रियल एस्टेट का बिजनेस एक टाइम पे बेंगलुरु पे बढ़ रहा था, वो आज रियल एस्टेट का बिजनेस धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। हालत यहाँ तक आ चुकी है कि लैंडलॉर्ड्स हर साल रेंट 10-15 हज़ार कम कर रहे हैं, खाली अपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ रही है पर किराएदार नहीं मिल रहे, जिससे अनडाउटेडली लोकल्स को और प्रॉपर्टी होल्डर्स को बहुत प्रॉब्लम होने जा रहा है। जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनको प्रॉब्लम होगा। और अगर सिचुएशन ऐसे ही चलता रहा तो आज से कुछ साल बाद बेंगलुरु आईटी कैपिटल का टैग हो देगा। धन्यवाद।